हेलो बच्चों, आज वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 11th के लिए एक टॉपिक का नाम है कॉनिक सेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कॉनिक सेक्शन होता क्या है। ठीक है, अब देखिए मेरे पास में एक सॉलिड कॉन है। ये कॉन है, ये इसकी एक्सिस है ना कॉन की, और उस कॉन को एक प्लेन द्वारा कट किया जाता है। जैसे एक राउंड सेब होता है ना, अगर सेब को हम चाकू से कट करें, ठीक है, तो सेब के सरफेस पर है ना, एप्पल के सरफेस पर कुछ आपका क्रॉस सेक्शन बनता है। ठीक है, प्लेन एरिया बनता है। ठीक है, तो इस तरह से जैसे कॉन है, सॉलिड कॉन है, जैसे प्लेन से हमने है ना इसके पैरेलल इस तरह कट किया, इस तरह से। ओके, इसके पैरेलल। ओके, तो आपको यहां सरफेस बनेगा, वो आपको सर्कल दिखाई देगा। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन इस तरह से। अगर ये प्लेन आपके पैरेलल नहीं है एक्सिस के, ठीक है, ये किसी एंगल पर है, ठीक है, और एंगल 90 से छोटा है वो, ठीक है, यानी ऐसे कट करें हम, तो आपको यहां इस तरह का ओवल शेप में ना इस तरह दिखाई देगा। ये इसको बोलते हैं हम इलिप्स, तो इलिप्स बनेगा यहाँ पर। इस तरीके से अगर हम प्लेन को इस तरह लें, जो प्लेन की ये साइड है इसके पैरेलल हो, ओके, इस पार्ट के पैरेलल हो, तो उस वाले केस में जो आपका क्रॉस सेक्शन बनेगा, यानी कॉनिक सेक्शन बनेगा, वो ऐसे बनेगा, एस शेप का, जिसको बोलते हैं हम पैराबोला। ओके, उसमें एक केस और बनता है जिसमें इसके पैरेलल भी नहीं होता ना इसके पैरेलल होता है, उस केस में बनता है आपका हाइपरबोला। ठीक है, डबल शेड वाला, ये बनेगा डबल शेड वाला उस वाले केस में। ओके, तो आज हम आपको इसमें से एक पार्ट करेंगे, ये वाला पार्ट, सर्कल। ओके, तो शुरू करते हैं आज हम सर्कल। ठीक है, अब सर्कल क्या होता है वो तो आपको डेफिनेशन दी आपने, कॉनिक सेक्शन की फॉर्म है ना, यानी क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉन। अब एक डेफिनेशन और इसकी देखो, जो हम शुरू से बच्चों को बताते आ रहे हैं। एक पॉइंट मेरे पास फिक्स है, ये फिक्स पॉइंट, और दिस सेट लोकस ऑफ पॉइंट्स विच मूव इन सच ए वे दैट डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट ऑलवेज कॉन्स्टेंट। यानी पॉइंट यहां पर एक मूवेबल पॉइंट है, ठीक है, मूवेबल पॉइंट, ये पॉइंट मूव कर सकता है। ठीक है, पॉइंट यहां पहुंचा तो ये डिस्टेंस क्या है कि ये डिस्टेंस, पॉइंट यहां पहुंच गया डिस्टेंस ये, पॉइंट यहां पर, यहां इस तरह से मूव करता है, डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहती है। ओके, ये ऐसे, और ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल है, देखो ये ऐसे। तो इस पथ का जो लोकस होता है ये, इसको सर्कल बोलते हैं, यानी ये जो पार्ट है वो सर्कल। जो फिक्स पॉइंट होता है ये, इसको बोलते हैं, इसका हम सेंटर, ओके, सेंटर ऑफ सर्कल। और इस पॉइंट को हम पी सपोज कर लेते हैं, एक्स वाई ले लेते हैं, और जो फिक्स पॉइंट है इसको हम लेते हैं एच के। ओके, और जो डिस्टेंस है ये होगी रेडियस, यहां से डिस्टेंस होगी, ये रेडियस होगी। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर, तो दिस इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल। कब? जब इसका सेंटर गिवन है आपको और रेडियस गिवन है। ठीक है, तो सेंटर क्या हुआ इसका, एच के, और रेडियस है इसकी आर। तो उस केस में इसका जो इक्वेशन होगा वो ये होगा। अगर मैं इसको ओपन करूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू एक्स एच माइनस टू वाई के प्लस एच स्क्वायर यहां से मिलेगा,
और के स्क्वायर यहां से मिलेगा और माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इसको कहीं सिंप्लीफाई मैंने, अब और सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सपोज कर लिया मैंने टू जी एक्स, ओके, मैंने माइनस टू एच को मैंने टू जी सपोज किया है या टू एफ के, ओके, टू एफ वाई, और इस पूरे पार्ट को मैंने सपोज किया सी, ये कांस्टेंट है। तो इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म, इसको बोलते हैं हम जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल। ये सर्कल जनरल फॉर्म होती है, और इस केस में जो सेंटर होता है इसका होता है माइनस जी माइनस एफ, और रेडियस होती है इसकी अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो इस वाले केस में सेंटर रेडियस इस फॉर्मूले से निकलेगी। क्वेश्चन नंबर वन टू क्वेश्चन नंबर फाइव एक्सरसाइज 11.1 ये शुरू करने जा रहे हैं। अब देखिए इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 5 फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद, इसमें सेंटर और रेडियस गिवन है आपकी, ठीक है, पांचों क्वेश्चन के अंदर सेंटर भी गिवन रेडियस भी गिवन है और आपको इक्वेशन फाइंड करना है सर्कल का, ठीक है। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर टू है सेंटर गिवन है माइनस टू थ्री रेडियस फोर आर इक्वल टू फोर। तो क्या फॉर्मूला है मेरे पास सर्कल का, मुझे एक्स माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो क्या करना है आपको, केवल एच और के की वैल्यू रिप्लेस करनी है यहां से, माइनस एच, एच क्या माइनस टू, एक्स प्लस टू होल स्क्वायर और वाई माइनस थ्री होल स्क्वायर इक्वल टू फोर स्क्वायर। अब इसको ओपन कर देंगे, एक्स स्क्वायर यहां से मिलेगा और वाई स्क्वायर यहां से मिलेगा 4x और यहां से माइनस 6y, यहां से 4 मिलेगा और यहां से 9 इजिकल टू 16, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x और 9 प्लस 4 13 माइनस 16 माइनस 3 इजिकल टू 0, ओके okay. अब इसका एक पार्ट और कराता हूं मैं, ये फिफ्थ पार्ट है इसका, सारे पार्ट एक जैसे हैं। इसमें सेंटर माइनस ए माइनस बी है, सेंटर है माइनस ए और रेडियस इसके अंदर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसके अंदर, देखो एक्स माइनस एच, एच क्या है ये, तो एक्स प्लस ए होल स्क्वायर वाई प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओपन कर देंगे मुझे एक्स स्क्वायर यहां से वाई स्क्वायर यहां से टू एक्स ए यहां से टू वाई बी और यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये आंसर मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू एक्स ए टू वाई बी प्लस टू बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब देखो इसमें और ध्यान रखना, आप इसमें सर्कल की इक्वेशन में हमेशा आप ध्यान दोगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जो टर्म होंगी एक जैसी होंगी, ठीक है, इनके कोएफिशिएंट वन होंगे, ओके, और प्लस की फॉर्म में होंगे, और एक तरह एक्स वाई की टर्म इसमें नहीं होगी, ओके। अगर किसी इक्वेशन में एक्स वाई की टर्म आती है और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट डिफरेंट होते हैं तो सर्कल का इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है, पहचान इसकी। क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, चार प्रॉब्लम्स हैं, बिल्कुल एक जैसी हैं। इन द फॉलोइंग फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, इसमें सेंटर और रेडियस फाइंड करनी है आपको, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम तो आप 6 ही ले लेते हैं, 6 इस टाइप की है,
एक्स प्लस फाइव होल स्क्वायर और वाई माइनस थ्री होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। इसमें आपको सेंटर और रेडियस फाइंड करना है, तो इसको डायरेक्ट कंपेयर मार दो इसके साथ, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देखो माइनस एच की वैल्यू क्या होगी, प्लस फाइव, एच हो गया माइनस फाइव, माइनस के इज इक्वल टू माइनस थ्री, के इज इक्वल टू थ्री, ओके आर स्क्वायर इज इक्वल टू 36, आर मिल गया 6। तो ये तो बहुत आसान है, सेंटर माइनस फाइव थ्री, रेडियस 6, ओके। बट अगर इस फॉर्म में नहीं है आपका सर्कल, ये दूसरी फॉर्म में है, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्म में है तो इसको आप जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे या इसको परफेक्ट स्क्वायर बना करके तब एच के निकालेंगे इसके अंदर। परफेक्ट स्क्वायर कैसे, क्योंकि जनरल फॉर्म इसमें एनसीईआरटी में है, गिवन नहीं है, इन्होंने परफेक्ट स्क्वायर बना के किए हुए हैं, ठीक है, तो आप उससे कर लो। तो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस हमारा माइनस 8x, इसको एक ग्रुप बना लो और वाई स्क्वायर प्लस 10y और माइनस 12। इसमें हम क्या करेंगे, एक्स कॉफी का 8 है, 8 का हाफ कर दो 4 होता है, 8 का हाफ 4, 4 का स्क्वायर 16, तो इसमें 16 प्लस माइनस कर दो, ऐसे यहां पर वाई स्क्वायर 10y और 10 का हाफ होगा 5 और 5 का स्क्वायर 25, तो 25 प्लस माइनस और माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब बनेगा परफेक्ट स्क्वायर, देखो ये टर्म बन गई एक्स माइनस फोर होल स्क्वायर और ये टर्म बनेगी वाई प्लस फाइव होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये टर्म ये और ये इधर पहुंच जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 16 प्लस 25 प्लस 12, 16 प्लस 12 कितना होगा 28 प्लस 25 ये मिलेगा, तो कितना हुआ 53, ओके। तो क्या हुआ इसका सेंटर, कंपेयर करेंगे, सेंटर यहां से मिल जाएगा आपको 4 कॉमा माइनस 5 और रेडियस होगी इसकी, इसका स्क्वायर रूट रूट 53, ऐसे करेंगे और यही इसका आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल एक जैसे हैं, तो इसमें से मैं आपका क्वेश्चन नंबर 10 कर देता हूं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4, 1, 6, 5 इससे पास हो रहा है एंड सेंटर इज ऑन लाइन, सेंटर लाई ऑन 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, इस पर सेंटर लाई करता है इसका और सर्कल पास हो रहा है इन दो पॉइंट से। लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये मान लेते हैं हम x माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मान लो सर्कल का इक्वेशन, ठीक है, अब सर्कल पास हो रहा है इस पॉइंट से, तो ये पॉइंट पुट कर दो इसके अंदर 4 माइनस एच होल स्क्वायर और 1 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ओके। एंड इससे भी पास हो रहा है सर्कल, देखो तो इसमें एक्स वाई वैल्यू पुट कर देंगे 6, 5, तो 6 माइनस एच होल स्क्वायर और 5 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ओके। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को माइनस करके एच के में एक सिंपल इक्वेशन बनाएंगे, वो कैसे बनेगी,
ठीक है, इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन नंबर टू। कैसे माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर दो, ठीक है, या इसमें से इसको माइनस कर दो। चलो सिक्स माइनस एच होल स्क्वायर माइनस फोर माइनस एच होल स्क्वायर प्लस फाइव माइनस के होल स्क्वायर माइनस वन माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर जीरो। ओके, अब इसको माइनस करो। कैसे माइनस करेंगे, अब चाहे तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओपन कर लो या इसके फैक्टर कर लो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर मैं फैक्टर करूं इसके, फैक्टर क्या आएंगे, इन दोनों को एडअप करो तो सिक्स प्लस फोर टेन और माइनस टू एच, ये तो मिलेंगे है ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी। जब इसमें इसको माइनस करेंगे तो टू आएगा ना, इंटू टू, इंटू टू आ गया। ठीक है, देखो सिंपल हो गया, प्लस एक बार इन दोनों को ऐड कर दो तो सिक्स माइनस टू के इंटू दिस माइनस दिस फाइव माइनस वन फोर इंटू फोर इज इक्वल टू जीरो। और थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो मिलेगा ट्वेंटी माइनस फोर एच ट्वेंटी फोर माइनस एट के इज इक्वल टू जीरो, और इससे मिल जाता फोर एच एट के इज इक्वल टू, इन दोनों टर्म को उधर ले जाओ, 44, फोर से डिवाइड कर दो, एच प्लस टू के इज इक्वल टू 11। ये इक्वेशन नंबर थ्री। क्लियर, आपको पूरा ओपन नहीं करना पड़ा इसको। उसके बाद सेंटर लाई ऑन दिस लाइन, सेंटर क्या मेरे पास में एच के, एच के लाई ऑन 4x plus y is equal to 16. Put the value of h k in this equation. ये वाली यहाँ put कर दो, n x y को replace कर दो h k से, 4h plus k is equal to 16. Equation number ये 4. अब इन दोनों equation को हमें solve करना है, ठीक है? 4h plus k is equal to 16 और एच प्लस टू के इजिकल टू 11। तो सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे इसको, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 8h और 2k 32 और एच प्लस टू के इजिकल टू 11। माइनस कर दो तो 7h इजिकल टू 21 और एच मिल गया 3। ओके, एच की वैल्यू 3 और 3 वैल्यू पुट कर दो कहां पर, यहां पर, तो के क्या मिलेगा, 3 प्लस 2 के इज इक्वल टू 11 और 2 के इज इक्वल टू 8। ओके, और के मिल गया 4। अब हमारे पास सेंटर मिल गया 3 एंड 4। ओके, और अब रेडियस निकालनी है आपको, ठीक है, तो एच के की वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, इसमें पुट कर दो इसमें, तो आर क्या मिलेगा, अंडर रूट 4 माइनस एच, तो 4 माइनस 3 होल स्क्वायर 1 माइनस के, तो 1 माइनस 4 होल स्क्वायर, तो 1 प्लस 9 ये मिल गया रूट 10। ओके, तो सेंटर मिल गया और रेडियस मिल गई, ठीक है। अब निकालना क्या है, हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब निकालनी है सर्कल की इक्वेशन, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा पार्ट मैं रख कर दूंगा यहां से, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स माइनस एच होल स्क्वायर और y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और इसकी की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे हम h3
और k की वैल्यू 4, r स्क्वायर रूट 10 का स्क्वायर था 10। ओके, तो ये हो गया आपका सर्कल का इक्वेशन, इसी फॉर्म में इसको हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखें। फॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल विद रेडियस 5, अ सेंटर लाई ऑन एक्स एक्सिस और पासिस थ्रू पॉइंट 2, 3। सर्कल का जो सेंटर है वो लाई करता है एक्स एक्सिस पर, या इसका सेंटर है, सेंटर सपोज कर लेते हैं हम एच कॉमा जीरो। ओके, और सर्कल पास होता है 2, 3, इसमें पॉइंट होगा 2, 3 कहीं, है ना। तो ये सर्कल है, ये पॉइंट 2, 3। ओके, और रेडियस गिवन है 5। ये तो काफी आसान है, देखो तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स 5, लगाइए फॉर्मूला इसके अंदर, एच माइनस 2 होल स्क्वायर और 0 माइनस 3 होल स्क्वायर इजिकल टू 5 स्क्वायर। एच माइनस 2 होल स्क्वायर इजिकल टू 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 25 माइनस 9 16, और एच माइनस 2 की वैल्यू मिल जाएगी रूट 16 प्लस माइनस 4, और एच की वैल्यू मिली आपको, एक बार प्लस 4 लेंगे, 4 प्लस 2 6, और माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो सेंटर आपके पास हो गया 6, 0 और माइनस 2, 0, यानी इधर भी हो सकता है। ठीक है, यह सर्कल यू भी जा सकता है। तो इक्वेशन क्या है सर्कल की, इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक तो मिलेगी x माइनस 6 होल स्क्वायर y माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर 25, और x माइनस दिस x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25। इस तरह से दो इक्वेशन आपको मिलेंगे इसमें। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 0, 0 मेक इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखिए ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये पास हो रहा है 0, 0 से, और ए एंड बी इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, यानी एक एक्स कट कर रहा है ए डिस्टेंस पर और वाई को बी डिस्टेंस पर, यानी सर्कल इस तरह से पास हो रहा है ऐसे। ठीक है, ये डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस है बी। ओके, तो ये कोऑर्डिनेट क्या होंगे इसके, ए कॉमा 0, और ये क्या होगा 0, b। ओके, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, ओके, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है एक्सिस के बीच में, तो ये डायमीटर हो जाएगा इसका मतलब इसका। ठीक है, ओके, तो ए बी मिल गया डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल। अगर ये डायमीटर है तो इसका मिड पॉइंट ये सेंटर मिल जाएगा, सेंटर होगा तो ए प्लस 0 अपॉन 2, 0 प्लस बी अपॉन 2। ओके, ए अपॉन 2 ये मिलेगा आपको इसका सेंटर। ओके, क्योंकि डायमीटर का जो मिड पॉइंट होता है वो सेंटर होता है। ओके, और एंड पॉइंट गिवन है इसके, और ये डिस्टेंस कॉर्डिनेट आप गिवन है 0, 0, तो ये डिस्टेंस ये जगह रेडियस, ओके, वो से लेकर डिस्टेंस यहां सी तक जो रेडियस होगी वो होगी OC, दैट इज रूट ए बाई 2 माइनस 0 होल स्क्वायर
स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन फोर। अब सेंटर भी मेरे पास है और रेडियस भी, इक्वेशन क्या सर्कल की, ऑफ सर्कल एक्स माइनस ए बाई टू होल स्क्वायर वाई माइनस बी बाई टू यानी बी बाई टू होल स्क्वायर इजिकल टू, इसका स्क्वायर कर दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन फोर। ओपन कर दो इसको, एक्स स्क्वायर टू एक्स ए अपॉन टू ए स्क्वायर अपॉन फोर वाई स्क्वायर अपॉन टू और बी स्क्वायर अपॉन फोर बी मिलेगा इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस, अब देखो ए स्क्वायर बाई फोर प्लस बी स्क्वायर बाई फोर से कैंसिल हो जाएगा पूरा पार्ट, तो आपका आंसर मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इजिकल टू जीरो, इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, तो ज्यादा सिंपल है, इफ जब सर्कल सेंटर दे रखा है पासिंग थ्रू 4, 5, देखो सेंटर दे रखा है 2, 2 और 4, 5 से पास हो रहा है, तो हम क्या करना है, रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस अंडर रूट 2 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 होल स्क्वायर 4 प्लस 9 एंड रूट 13, तो निकाल दोगे इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये होगा एक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर 13, ओके दिस द इक्वेशन ऑफ सर्कल। और क्वेश्चन नंबर 15, ये भी आसान है, डज द पॉइंट लाई इनसाइड आउटसाइड ऑन द सर्कल, ये पॉइंट है माइनस 2.5 कॉमा 3.5 पॉइंट है और सर्कल है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 इजिकल टू जीरो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो मुझे चेक करना है कि ये पॉइंट इसके अंदर है, सर्कल पर है, सर्कल के बाहर है, तो हमें क्या करना है कि ये पॉइंट पुट कर दो इसके अंदर, यानी 2.5 होल स्क्वायर प्लस 3.5 होल स्क्वायर माइनस 12, ये निकालना है आपको, ये फाइंड करो, ओके। अगर ये टर्म आती है नेगेटिव, चलो तो मान लेता हूं एक्स, मान लेता हूं इक्वल टू एक्स, अगर एक्स आता है लेस देन जीरो तो पॉइंट लाई इनसाइड, अंदर लाई करेगा, एक्स आता है जीरो तो पॉइंट लाई ऑन द सर्कल, इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो देन पॉइंट लाई आउटसाइड ऑफ द सर्कल। अब देखो यहां पर साफ दिखाई दे रहा है, देखो 2.5 का स्क्वायर प्लस 3.5 स्क्वायर नेगेटिव आएगा, देखो अगर ये 3 और 4 भी रखें तब जीरो आता है, ओके तो क्लियर है, तो हियर ओके एक्स लेस देन जीरो सो पॉइंट लाई इनसाइड, ओके। इस तरीके से कॉनिक सेक्शन का एक पार्ट हमारा आज सर्कल कंप्लीट होता है, ओके इसको आप करेंगे, और कोई आपको दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में लिख करके प्रॉब्लम मुझे भेजेंगे, ठीक है, थैंक यू।